हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, जो बेसिक्स ऑफ कॉन्टैक्टर, जो कॉन्टैक्टर का सारे बेसिक डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्टर डिस्कस करेंगे, इसकी ऑपरेशनल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे फ्रेंड्स आज की हमारा वीडियो। पहले कॉन्टैक्टर क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, जो हमारा जो स्विच गियर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस और हाईएस्ट लाइफ रहते हैं फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर के लिए, क्योंकि कॉन्टैक्टर को आप बहुत नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ करा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉन्टैक्टर को जो सबसे हाईएस्ट एडवांटेज है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ऑपरेशन से। अगर कोई भी जगह आपको मतलब बहुत ही बार आपको इसको चालू करना है, बंद करना है, बंद करना है, चालू करना है, तो आपको कॉन्टैक्टर ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। लाइक हमारा हॉइस्ट एप्लीकेशंस में या क्रेन एप्लीकेशंस में, इसमें बहुत बार आपको चालू करना है, बंद करना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत ही बार करना पड़ता है, और इसका जो स्विचिंग है बहुत बार होते हैं। इसको इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन जो स्विच गियर आपको अचीव कर सकते हैं वो कॉन्टैक्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका है फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर में लाइक कोई भी बाकी स्विच गियर जैसे बाइक जैसे आप देखेगा तो MCBA, MPCBA, MCCBA, ACBA, वो सब में आपको मैनुअल में इसके पास में भी इसको ऑन करने का प्रोविजन रहते हैं, लेकिन कॉन्टैक्टर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रहता है फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टर इज प्योरली इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन है फ्रेंड्स, इसमें कोई मैकेनिकल ऑपरेशन नहीं होते, मतलब मैनुअली कोई आपको स्विच दबाने से आपको कॉन्टैक्टर ऑन नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। अनलाइक कोई ACBA तो आप कर सकते हैं, अगर स्प्रिंग चार्ज है तो इसको चालू कर सकते हैं, MCBA में आप चालू कर सकते हैं, मैन्युअली आप ऑन कर सकते हैं, MPCBA में कर सकते हैं, MCCBA में कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्टर में आप लॉकल से कॉन्टैक्टर से ही आप ऑन एयर ऑफ इसको नहीं कर सकते फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर को, ठीक है। कॉन्टैक्टर प्योरली रिमोट ऑन और ऑफ ऑपरेशन के लिए फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है कॉन्टैक्टर का इसका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लाइफ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कॉन्टैक्टर में बहुत ही कम मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से इसका मैकेनिकल लाइफ बहुत ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी देखेगा तो बहुत ही कम रहते हैं, इसीलिए इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। और कॉन्टैक्टर है, अगर इसका कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी सप्लाई आप जो सेम सप्लाई से दे रहे थे जिसमें आपको पावर सर्किट कनेक्टेड है उसी से आप अगर इसका सप्लाई दे रहे हैं कॉन्टैक्टर का कंट्रोल सप्लाई, उस केस में आपको कॉन्टैक्टर खुद एक नो वोल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे इसका ऑक्सिलरी सप्लाई चला जाएगा तो कॉन्टैक्टर अपने आप ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको कोई एक्टिवेशन का जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। जहाँ आपको वोल्टेज आने से मतलब जैसे वोल्टेज चला गया फिर से वोल्टेज आने से इसको रीस्टार्ट इनहिबिट करना है, उस एप्लीकेशंस में भी आपको कॉन्टैक्टर बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, क्योंकि ये फेल सेफ है, जैसे आपको सप्लाई चला गया तो वो खुद अपने आप ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब तक आप फिर से स्टार्ट कमांड नहीं दोगे तब तक ये दोबारा चालू भी करने नहीं देगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो कॉन्टैक्टर उस कंडीशन में भी अपने आप डिफॉल्ट नो वोल्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं, आप खुद की कंट्रोल सप्लाई यूज़ करेगा तो, और इसका जो नंबर ऑफ मेक और ब्रेक ऑपरेशन से वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए आप कॉन्टैक्टर को एक ऐसे डिवाइस समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये इसका स्विच गियर ऐसे स्विच गियर है, इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का लाइफ, और इसको बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको कराना है तो, मतलब आप कोई भी स्विच गियर आप देख लीजिए, ACB देख लीजिए, MCB देख लीजिए, MPCB देख लीजिए, MCCB देख लीजिए, इसका लाइफ है मतलब बहुत कम रहते हैं अगर आप इसको ज़्यादा बार ऑपरेट करेगा तो। लेकिन कॉन्टैक्टर का ऑपरेशन आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसका 1 लाख ऑपरेशंस का लाइफ रहते हैं 1 लाख, और इसका जो मेंटेनेंस भी बहुत कम पड़ते हैं कॉन्टैक्टर में कंपेयर टू कोई और चीज़ पे। तो इसीलिए कॉन्टैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच गियर है हमारा LT सिस्टम के लिए, और इसके आप इसीलिए आपको कोई भी LT सिस्टम में आप अप टू 55 किलोवाट मोटर तक भी आप कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और कॉन्टैक्टर है इससे आप नॉर्मल करंट को आप ब्रेक कर सकते हैं, ओवरलोड करंट को आप ब्रेक कर सकते हैं, नॉर्मल ओवरलोड करंट को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, और मोटर का ओवरलोड करंट भी आप ब्रेक कर सकते हैं, और मोटर का जाम या स्टाल कंडीशन में भी आप ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्टर से आप शॉर्ट सर्क्यूट को
या सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम में अर्थफॉल्ट से आपको ब्रेक नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए आपको सेपरेटली फ्यूज देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको इसका मोटर का स्टार्टर्स का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे एक कॉम्बिनेशन से क्या कैसे हम सारे प्रोटेक्शन अचीव कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे इसकी। पहले कॉन्टैक्टर का ऑपरेशन कैसे होते हैं पहले समझ लेंगे फ्रेंड्स। ये एक टिपिकल एक कॉन्टैक्टर स्नाइडर का, ठीक है फ्रेंड्स, और कॉन्टैक्टर ऑपरेशन कैसे होते हैं समझ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कॉन्टैक्टर ऑपरेशन होने के लिए फ्रेंड्स पहले आपको ये समझना पड़ेगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टर है बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं वो समझ लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं फ्रेंड्स वो डिफॉल्ट हमेशा वो मैग्नेटिक बिहेवियर मेंटेन करते हैं। अगर कोई ऐसा डिवाइस है उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की वजह से, जस्ट आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की वजह से इसका डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं, जैसा आपको सप्लाई आप हटा दोगे तो वो फिर से नॉर्मल मटेरियल जैसा हो जाएगा, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबिलिटी से मैग्नेट बनेगा, जैसा आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई काटेगा तो वो नॉर्मल डिवाइस है, नॉर्मल मटेरियल है फ्रेंड्स। ठीक है, सो यहाँ एक है, ये हमारा दो यहाँ एक देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा फिक्स्ड मैग्नेट है। ये आप देखेगा तो सिंपल एक थ्री रिम्ब का एक हमारा मैग्नेटिक कोर है फ्रेंड्स। ठीक है, थ्री रिम्ब का मैग्नेटिक कोर है और इसका जो सेंट्रल रिम्ब में हमारा कॉइल वुंड होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उस कॉइल को हम बोलते हैं कंट्रोल कॉइल बोलते हैं इसको, इस कॉन्टैक्टर का कंट्रोल कॉइल बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस कॉन्टैक्टर का ऑपरेशन इसी कॉइल से ही इनिशिएट होते हैं और इस कॉन्टैक्टर को बंद करना है तो इसी कॉइल से ही होते हैं। इस कॉइल से ही इस कॉन्टैक्टर का पूरा ऑपरेशन डिपेंडेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इस कॉन्टैक्टर का जो इसको बोलते हैं हमारा कंट्रोल कॉइल है, और जैसे इसका कंट्रोल कॉइल का टर्मिनेशन है A1 A2, मोस्टली सारे कॉन्टैक्टर्स में आपको इसका जहाँ A1 A2 दिखते हैं वो डिफॉल्ट कंट्रोल कॉइल ही रहता है फ्रेंड्स। यहाँ हमारा कंट्रोल कॉइल रहता है, जैसे इसका कंट्रोल कॉइल को आप सप्लाई दो देंगे, अगर आप AC सप्लाई दे दो और DC सप्लाई दे दो, जैसे इसका कंट्रोल कॉइल का सप्लाई दे देंगे तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसका वोल्टेज की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, इस कंट्रोल कॉइल में उस करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। वो फ्लक्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस कोर में जितना भी डाइपोल है इसको अलाइनमेंट करेगा फ्रेंड्स। इसको अलाइनमेंट करके यहाँ हमको नॉर्थ और साउथ पोल बनाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा इसको, मतलब ये सप्लाई इसको देने के बाद ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से, इसकी फ्लक्स की वजह से ये हमारा मूविंग मैग्नेट है, ये हमारा मूविंग मैग्नेट है, इसी पे ही हमारा कॉन्टैक्ट सिस्टम का भी अटैचमेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये भी हमारा मैग्नेट बनेगा, इसकी वजह से इंड्यूस्ड है, इस मैग्नेट का वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से ये भी हमारा मैग्नेट बनेगा। जैसे ये मैग्नेट बनेगा फ्रेंड, इसको क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर देगा, इसको इस साइड खींच लेगा। तब तक क्या इसको रोक रहा है, इसका स्प्रिंग टेंशन है, इसका स्प्रिंग टेंशन इतना है, ये क्या करते हैं, ये इसको दूर ही रखते हैं। जैसे ये मैग्नेट बन जाएगा तो इसमें जो करंट जा रहा है ऑफ एल आई स्क्वेयर है, इसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी जो जनरेट हो रहा है वो मैग्नेटिक एनर्जी हमारा स्प्रिंग टेंशन से भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसको इस साइड खींच लेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो फिक्स्ड मैग्नेट है, ये तो मूव नहीं हो सकते हैं, ये हमारा मूविंग मैग्नेट है, ये जैसा मूव होते हैं फ्रेंड्स ये ऐसा मूव होते हैं और ये चिपक जाता है, ये दोनों चिपक जाते हैं, ये दोनों चिपक जाते हैं, और ये मूवमेंट होने की वजह से इसी लीवर पे हमारा कॉन्टैक्ट सिस्टम भी अरेंज है फ्रेंड्स। इसमें हमारा ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये दोनों हमारा, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है हमारा मूविंग मैग्नेट पे ही माउंटेड है। जैसे हमारा मूविंग मैग्नेट मूव होता है तो इसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट सिस्टम भी मूव होता है, कॉन्टैक्ट का लेवर भी मूव होता है, तद्वारा इसका फिक्स्ड जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है वो भी मूव होता है और इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जैसे इसका साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ये कॉन्टैक्ट बनाने के बाद ये क्या होता है, अगर इसमें एक लीफ स्प्रिंग या कॉन्टैक्ट स्प्रिंग बोलते हैं, अगर ये स्प्रिंग नहीं है तो ये ऊपर नीचे हिलते रहते हैं, मतलब बम्प, ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, वाइब्रेशन हो सकते हैं इसमें। ठीक है,
वाइब्रेशन हो सकते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्टैक्ट को टाइट होल्ड करने के लिए इसको एक लीफ स्प्रिंग या कॉन्टैक्ट स्प्रिंग बोलते हैं, वो स्प्रिंग दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा कॉन्टैक्टर में दो स्प्रिंग है, इन केस आप जैसे इसका सप्लाई काट देगा तो फ्रेंड्स इसमें ऑफ एलाइन स्क्वायर, इसका मैग्नेटिक एनर्जी है ही नहीं है, सो इसका स्प्रिंग टेंशन ज़्यादा है, सो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, सो एक स्प्रिंग की वजह से ये तुरंत बैक बैक चला जाएगा, इसका इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, इसकी वजह से, इसी लेवर मूवमेंट की वजह से ये भी अपना पोजीशन पे आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा इस कॉन्टैक्ट को रिजिड करने के लिए और इसको फिक्स करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट स्प्रिंग या लीफ स्प्रिंग दिया जाता है फ्रेंड्स। सो ये हमारा बेसिकली कॉन्टैक्टर है फ्रेंड्स, हमारा कॉन्टैक्टर का ऑपरेशन है। इसमें आप देखेगा तो फ्रेंड्स ये कॉन्टैक्टर जो मूव होते हैं इतना ही पार्ट मूव होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ इसका फिजिकल बाउंड्री, इसके आगे तो ये मूव नहीं हो सकते। तो हमेशा हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सटॉर्टर स्ट्रोक है, ये हमारा वाई है, हमारा ओपनिंग है फ्रेंड्स। तो जनरली हमेशा हमारा जो वाई रहता है फ्रेंड्स ये एक्स से कम रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो पहले कांटेक्ट मेक होते हैं, इसके बाद ये दोनों टच होते हैं और स्प्रिंग से टाइट, एकदम टाइट रहते हैं फ्रेंड्स, सो दैट इसका कांटेक्ट रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो मोस्टली हमारा एक्स हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है वाई से, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशन है फ्रेंड्स, ओके। और इसका सारे अगर आप इसका ऑपरेशन के साथ देखेगा तो फ्रेंड्स कभी भी इसका अगर फ्रीक्वेंट नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब इसका सप्लाई ऑन हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहे हैं और मूविंग मैग्नेट को खींच रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स मेन पावर सर्किट का कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तो जैसे ये इस प्रोसेस में क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों चिपक रहे हैं, आपको बोला था मैंने। तो इसका ओवर द टाइम क्या होता है, इसका वेयर एंड टेयर होते हैं, अगर वेयर एंड टेयर हो गया तो ये हो सकते हैं फ्रेंड, जैसे नया मैग्नेट में, नया कॉन्टैक्टर में आपको यहाँ हमको एयर गैप दिखेगा हमारा बीच वाले में, ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहे हैं फ्रेंड्स बीच में, क्योंकि ये थोड़ा सा लोअर लेवल पे हमारा सेंट्रल रिम, इसीलिए बीच में आपको एयर गैप दिखेगा नया कॉन्टैक्टर में। लेकिन जैसे जैसे हमारा कॉन्टैक्टर में ऑपरेशन बढ़ते जाते हैं, वो ओवर द टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा ये दोनों मूविंग कॉन्टैक्ट या मूविंग मैग्नेट इसके साथ बार बार इसको टच करने की वजह से, मतलब ये चिपकने की वजह से, मारने की वजह से, इसके जो वेयर एंड टेयर की वजह से ये क्या होते हैं, ये मटेरियल थोड़ा थोड़ा लूज होते हैं, और वो ओवर द टाइम क्या होते हैं, ये मटेरियल लूज होकर इसकी लेवल पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ओल्ड कॉन्टैक्टर हमारा, इसका बोलते हैं फ्रेंड्स हमारा कॉन्टैक्टर का मैकेनिकल लाइफ खत्म हो गया फ्रेंड्स, इस पोजिशन पे हम बोलते हैं कॉन्टैक्टर का मैकेनिकल लाइफ खत्म हो गया, ठीक है। सो हमारा इलेक्ट्रिकल लाइफ कब खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल लाइफ कब खत्म होते हैं, हमारा जनरली हमारा मैकेनिकल लाइफ बहुत ही ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस मटेरियल यहाँ तक आने में बहुत ही टाइम लगते हैं। लेकिन हमारा इलेक्ट्रिकल लाइफ में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका कॉन्टैक्ट है ना, इसका कॉन्टैक्ट में जैसे इसको नॉर्मली ये हमारा मोटर का फॉर एग्जांपल जॉब में पड़ा था, उसी टाइम पे इसको ब्रेक करना था, हमारा ब्रेक करने के टाइम पे इसमें जो आर्किंग होते हैं वो आर्किंग को आर्किंग छूट तो कम करते हैं, लेकिन आर्किंग की वजह से क्या होता है, इसमें भी थोड़ा मटेरियल निकल जाता है और वेल्ड हो जाते हैं और वो धीरे धीरे हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसको इलेक्ट्रिकल लाइफ बोलते हैं। लेकिन आप इस कॉन्टैक्ट सिस्टम को आपको हर कुछ फिक्सड फ्रीक्वेंसी में इसको मेंटेनेंस करके, इसको सीआरसी मारकर, इसको साफ सफाई करके, क्लीन करके इसको मेंटेन कर सकते हैं, इनकेस इसका ज़्यादा डैमेज हुआ है तो इसको रिप्लेस करने से भी हम इस कॉन्टैक्टर का इलेक्ट्रिकल लाइफ बढ़ा सकते हैं, और इसका इलेक्ट्रिकल लाइफ तब तक बढ़ा सकते हैं इसका मैकेनिकल लाइफ पहुंचने तक फ्रेंड्स, ठीक है, मैकेनिकल लाइफ पहुंचने तक। और कभी भी इसका मेंटेनेंस में फ्रेंड्स, इस कॉन्टैक्टर का इस मैग्नेट्स में आप कभी भी सैंड पेपर और एमलेट पेपर से इसको साफ नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो रफ सर्फेसेस है, वो सैंड पेपर या एमलेट पेपर, उसमें उससे क्या होता है, इसका मटेरियल निकल जाता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से भी इसका मैकेनिकल लाइफ और जल्दी कम हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी भी इसको साफ करना है तो मैग्नेट्स को आपको सीआरसी से ही साफ करना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। तो ये हमारा फ्रेंड्स पुराना कॉन्टैक्टर में आपको ऐसे दिखने लग जाते हैं, आपको एकदम मार्जिन नहीं रहते हैं, जो हमारा सेंट्रल रिम है उसी रिम, वो साइड्स का जो हमारा रिम से वो भी उसी पोजीशन तक आ जाते हैं। तो हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट रेफरेंस, कॉन्टैक्टर में जो रबर पैडिंग है जो नीचे वाइब्रेशन अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, मैग्नेट से हमारा फिक्स्ड और मूविंग मैग्नेट से, हमारा कॉन्टैक्ट सिस्टम है फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट सिस्टम है, लीफ स्प्रिंग है, रिटर्न स्प्रिंग है फ्रेंड्स, हमारा सीडिंग रिंग्स है, टर्मिनल्स है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, ऑयल चूट्स
एंड हाउसिंग, सारे के बारे में एक एक में ब्रीफली डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मैं आपको ऑलरेडी ओवरव्यू तो बताया था, ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने रबर पैडिंग है फ्रेंड्स, हमारा कॉन्ट्रैक्टर का लोअर पार्ट में आप देखेगा तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर में आपको ऐसे अरेंजमेंट दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं रबर पैडिंग है। क्योंकि आप देखेगा तो फ्रेंड्स हमारा कॉन्ट्रैक्टर में आपको, यहाँ मैंने आपको बताया था ऑपरेशन में, जैसे इसका कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल को सप्लाई मिलेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो ये तुरंत इसको खींच देते हैं, इसकी वजह से जो मैकेनिकल फोर्स डेवलप हो रहा है फ्रेंड्स ये आकर इसको मारते हैं फ्रेंड्स इनडायरेक्टली, इसको मारने की वजह से यहाँ वाइब्रेशन हो सकते हैं, वाइब्रेशन की वजह से ये थोड़ा हिल सकते हैं। उसको वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमको ये नीचे की पार्ट में कॉन्ट्रैक्टर का हमको ये रबर पैडिंग लगा देते हैं, सो दैट इस कॉन्ट्रैक्टर का जो मूवमेंट की वजह से जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, वो वाइब्रेशन हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जहाँ लगाया था, फॉर एग्जाम्पल पैनल में लगाया था या जहाँ लगाया था, उसको वाइब्रेशन अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स, इस कॉन्ट्रैक्टर का मूवमेंट की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्टर का बॉडी का मूवमेंट को और उसका बॉडी का मूवमेंट की वजह से हम कॉन्ट्रैक्टर जहाँ माउंट किया था उसकी वाइब्रेशन को कम करने के लिए हमको यहाँ रबर पैड दिया जाता है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर का लोअर पोर्शन में, सो दैट कॉन्ट्रैक्टर का इस जो वाइब्रेशन है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जो जहाँ लगाया था उस स्विच गियर को ट्रांसफ़र नहीं होगा फ्रेंड्स, और कॉन्ट्रैक्टर का वाइब्रेशन भी कम होगा इसकी वजह से, ठीक है, ये रबर पैड का वजह से। ये एक हमारा पावर कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये हमने अगर मैंने ये कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ खोला था फ्रेंड्स, इवन दोनों सेम ही जैसे दिखते हैं, ये हमारा कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर है, बीच से ओपन कर दिया था इसको, अभी इसका पार्ट्स देखेगा तो फ्रेंड्स ये हमारा फिक्स्ड मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड मैग्नेट है, ये मूव नहीं होते हैं और इसके अंदर हमारा ये कॉयल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कॉयल ये बीच में गैप है और इसके अंदर रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड मैग्नेट है और ये हमारा मूविंग मैग्नेट है और ये हमारा कॉयल है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कॉयल हमारा इस फिक्स्ड मैग्नेट के अंदर इस गैप में इसके अंदर रहते हैं और हमारा ये कॉयल एनर्जाइज होने से ये मैग्नेट बनते हैं और इसका ऊपर ये रहते हैं, ये इसको खींचते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा रिटर्न स्प्रिंग है फ्रेंड्स, इसको नॉर्मली अगर कॉयल में सप्लाई नहीं है तो इसको ओपन पोजीशन में रखने के लिए ये हमारा स्प्रिंग यूज़ होते हैं, क्योंकि इसका स्प्रिंग टेंशन ज़्यादा रहते हैं, ये स्प्रिंग तभी हमको दबा सकते हैं अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही ये स्प्रिंग को दबा के ही ये दोनों चिपक जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों ये हमारा मूविंग मैग्नेट है फिक्स्ड मैग्नेट के साथ टच हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो जैसे इसका कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल का सप्लाई चला गया तो इस स्प्रिंग फोर्स का वजह से ये नॉर्मल जो बैक टू इसका ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। ये हमारा हाउसिंग डिफरेंस, हमारा कॉन्ट्रैक्टर का लोअर हाउसिंग बोलते हैं इसको, इसका अपर हाउसिंग डिफरेंस। ये लोअर हाउसिंग में हमारा ओनली फिक्स्ड मैग्नेट है और इसका नीचे रबर पैड है और हमारा ये बीच वाला पार्ट है, इसमें कॉयल माउंटिंग है, कॉयल रहता है इसमें और ये कॉयल का टर्मिनल से जो A1 A2 बोला था मैंने यहाँ दिया था, जैसे इसका कॉयल ऐसा वूंड हुआ था A1 से आकर ऐसा वूंडिंग हुआ था कॉयल में और A2 रिवर्स से इसका दूसरे टर्मिनल में चला जाता है, यहाँ हम सप्लाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा बीच का पार्ट है और ये हमारा टॉप पोर्शन में जो हमको दिखते हैं उसमें हमारा मूविंग मैग्नेट है, इसमें फिक्स होते हैं मूविंग मैग्नेट के अंदर ये हमारा स्प्रिंग फिक्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड, वो स्प्रिंग रहते हैं, रिटर्न स्प्रिंग है हमारा और ये हमारा इस मूविंग मैग्नेट का पीछे इस आगे की तरफ है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को आगे की तरफ देखेगा तो उस साइड हमको दिखते हैं फ्रेंड्स हमारा कॉन्टैक्ट्स है, जो हमारा जो मूविंग और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट इसके पीछे रहते हैं फ्रेंड्स हमारा, इसके पीछे हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, इसी लीवर पे हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट्स रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसका भी हम इन डिटेल देख लेंगे। अगर आप देखेगा तो ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट में आपको बताया था, जैसे यहाँ है ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट का पीछे, ठीक है फ्रेंड्स, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट से जो अटैच होकर हमारा रहता है फ्रेंड्स हमारा कॉन्टैक्ट का सिस्टम रहता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का सिस्टम रहते हैं, ये हमारा सारे के सारे मूविंग कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, मूविंग कॉन्टैक्ट का साथ रहते हैं जो वो सारे के सारे मूविंग कॉन्टैक्ट है, उस मूविंग कॉन्टैक्ट को हमको होल्ड करके रखते हैं हमारा लीफ स्प्रिंग,
कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्प्रिंग है इसको कॉन्टेक्स्ट को पोजीशन में रखने के लिए और मेक करने के टाइम पे ही इसको एकदम टाइट, सो दैट इसका कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कम करने के लिए, और एक बार मेक करने के टाइम पे, ब्रेक करने के टाइम पे इसका वाइब्रेशन को भी कम करने के लिए स्प्रिंग को दिया जाता है, ठीक है। सो ये हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट है, जैसा आप देखेगा तो ओरिजिनल पोजीशन पे ये हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये हमारा रहा था मूविंग मूविंग मैग्नेट पे रहा था, ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, फिर जो ये दिख रहा था हमको ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, और फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से हमको एक एक स्ट्रिप जाकर हमारा टर्मिनल में कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेपेंस, ठीक है। हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो हमारा सिल्वर कैडमियम का रहता है फ्रेंड्स मटेरियल, और हमारा जो टर्मिनल्स है वो हमारा कॉपर अलॉय रहता है फ्रेंड्स, कॉपर कॉपर या हमारा कॉपर रहता है या नहीं है तो सिल्वर या कॉपर का अलॉय रहता है फ्रेंड्स हमारा टर्मिनल्स, ठीक है। सो ये हमारा सिस्टम है फ्रेंड्स पूरा, और इसके बाद ये और हमारा बच गया है सीडिंग रिंग्स फ्रेंड्स। सीडिंग रिंग्स देखेगा तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सीडिंग रिंग्स समझने के लिए यहाँ फिर से हम कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे फ्रेंड्स एक बार। यहाँ आप देखेगा तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था जैसा आपको इसका कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल सबसे दे दोगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैग्नेट बनेगा फ्रेंड्स, और इसको खींच देगा, अट्रैक्ट कर देगा फ्रेंड्स। ये तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर इन केस ऑफ डीसी सप्लाई में तो ये ठीक है, जैसे ये डीसी सप्लाई दे देगा तो ये मैग्नेट बनेगा, और इसका जो फ्लक्स भी फिक्स है सिंगल डायरेक्शन है, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है तो ये साउथ और नॉर्थ पोल बनेगा, और सिंगल अट्रैक्शन मोमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जब एसी बनेगा फ्रेंड्स, ये जब एसी सप्लाई अगर आप दे देगा तो डीसी सप्लाई की जगह आप एसी सप्लाई दे देगा तो इसको इसको बोलते हैं एसी कॉन्टेक्टर बोलते हैं, और उस केस में आपको एसी सप्लाई देने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा एसी सप्लाई में एसी सप्लाई हमारा साइनसोइडल रहते हैं, उस साइनसोइडल में आपको 100 टाइम्स ये 0 पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 100 टाइम्स यहाँ कोई भी फ्लक्स नहीं रहते हैं, उस कंडीशन पे क्या करते हैं ये छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है इसको, रेसिडुअल फ्लक्स भी बहुत कम रहते हैं, स्प्रिंग फोर्स से कंपेयर करें तो बहुत कम रहते हैं, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से यहाँ करंट भी नहीं है, ऑफ एल स्क्वायर जीरो है, हमारा मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं है उस कंडीशन पे 0 पॉइंट पे, सो ये कॉन्टेक्टर वापस चला जाता है, जैसे पॉजिटिव ऑफ साइकिल शुरू हो जाते हैं फिर से इसका ऑफ एल स्क्वायर, जैसे एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट आएगा इसके बाद फिर से ये मैग्नेट बनेगा, इसको खींच देगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये ऐसे हमको हर मतलब 1 सेकंड में 100 टाइम्स हो सकते हैं इसको, मतलब ओपन क्लोज जैसा होता है उसको बोलते हैं चार्टरिंग इफेक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर 1 सेकंड में 100 टाइम्स ऐसा हो सकते हैं, थोड़ा ओपन क्लोज स्लाइट ओपन क्लोज इसको बोलते हैं, इसकी वजह से हमको बहुत आवाज़ आता है चट चट कट चट बोल के इसको, इसीलिए हमको चार्टरिंग साउंड बोलते हैं इसको, हमारा कॉन्ट्रैक्टर में बहुत बार सुना होगा आपको चार्टरिंग साउंड सुनने में आया होगा, ये सिर्फ एसी कॉन्टैक्टर्स में आपको दिखेगा फ्रेंड्स, डीसी कॉन्टैक्टर्स में एक चार्टरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है फ्रेंड्स, ओनली एप्लीकेबल फॉर एसी कॉन्टैक्टर्स है चार्टरिंग है, सो इसीलिए आपको एसी कॉन्टैक्टर में एक पर्टिकुलर एक आउट यूजर दिया गया था हमको सेडिंग रिंग बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, इसमें क्या बोलते हैं इसी पार्ट में एक कट करके इसमें एक रिंग लगा देते हैं, वो रिंग की वजह से कैसे हमको बचा सकते हैं वो यहाँ आप देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमको सीडिंग रिंग्स में हमारा जो हमारा फिक्स्ड मैग्नेट है फ्रेंड्स हमारा जिस पे हमारा कॉयल रह रहे हैं, उस फिक्स्ड मैग्नेट में एक ऐसे स्लॉट दिया गया और इसमें एक कॉपर रिंग, एक हमारा कॉपर रिंग लगा देते हैं, यार कॉपर या एलॉय रिंग जो ही कोई भी है ये लगा देते हैं बेस्ड ऑन इसका रेजिस्टेंस के हिसाब से, इसको रिंग लगाने की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको इसमें एसी कॉयल है, एसी कॉइल की वजह से इसमें क्या हो रहा है हमको एसी करंट जा रहे हैं, एसी करंट की वजह से एसी करंट है हमारा, एसी करंट की वजह से हमारा एसी फ्लक्स है अल्टरनेटिंग फ्लक्स जा रहे हैं, उस फ्लक्स की वजह से हमारा रेट ऑफ चेंज का फ्लक्स की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस ईएमएफ हमको हमको पहले ही पता है फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर में हमको पता है वो ईएमएफ हमको 90 डिग्रीज में रहता है इसका, ठीक है। अगर आप इसका वेव फॉर्म देख रहे होते ऐसे फ्रेंड्स, ठीक है, हमको एसी वोल्टेज देने की वजह से जो करंट जा रहा था उस करंट का वजह से हमको फ्लक्स है करंट से इन फेज रहते हैं, उस इन फेज का करंट से हमको एक 90 डिग्री से हमको वोल्टेज से इंड्यूट होते मतलब इंड्यूस होते हैं, और एक प्योर रेजिस्टेंस रिंग है इसीलिए हमारा वोल्टेज और करंट इन फेज में रहते हैं इसका, सो
हमारा करंट का जो वजह से जो हमारा करंट आप देखेगा तो इसका 90 डिग्रीज रहता है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। हमको इसीलिए हमको इस रेसिस्टिव रखा था सो दैट इसका जो भी हमारा करंट आ रहा था, जो हमारा जो कॉइल में जा रहा है करंट है, इससे 90 डिग्रीज में रहते हैं या नहीं है, तो आप ऐसे समझ लीजिए इसका वजह से जो फ्लक्स जा रहे हैं वो भी इनफेज रह रहे हैं और इसका फ्लक्स भी इसके करंट का साथ हमेशा इनफेज रहते हैं। तो ये दोनों फ्लक्स हमेशा 90 डिग्रीज में रहते हैं फ्रेंड्स। जो हमने कंट्रोल कॉइल में जो दे रहा था उसकी वजह से जो करंट का वजह से जो बन रहे हैं फ्लक्स, वो फ्लक्स से 90 डिग्रीज एग्जैक्ट लैगिंग में इसकी फ्लक्स बनते हैं फ्रेंड्स। इसकी वजह से क्या होते हैं आप देख लेगा तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से जब इसका मेन मेन कॉइल का जो हमारा मेन कंट्रोल कॉइल का जब इसका फ्लक्स जीरो रहता है फ्रेंड्स, उस कंडीशन में इसका शेडिंग रिंग का फ्लक्स मैक्सिमम रहता है फ्रेंड्स 90 डिग्रीज की वजह से। ये तभी अचीव हो सकते हैं फ्रेंड्स अगर ये दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है। 90 डिग्रीज कैसे अचीव कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा रेसिस्टिव बनाने की वजह से, या इसका रेसिस्टिव बनाने की वजह से हमको बना रहा था इसको 90 डिग्रीज से। अगर 90 डिग्रीज आप देखेगा लगाएगा तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें हमेशा जैसे डीसी फ्लक्स जैसे मेंटेन होगा फ्रेंड्स। आप देखेगा तो यहाँ भी देख लीजिए फ्रेंड्स, आप यहाँ भी देख लीजिए जैसे ये डाउन हो रहा था ये राइज हो रहा है फ्रेंड्स, राइट। एक डाउन हो रहे हैं राइज हो रहे हैं, इसकी वजह से जो समेशन आप देखेगा तो एक कॉन्स्टेंट जैसे ही बनेगा, कॉन्स्टेंट जैसे ही बनेगा ऐसे ही है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब एक कॉन्स्टेंट जैसे बनेगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है हमको, हमको फ्लक्स हमेशा मेंटेन होते हैं, यहाँ फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। हमारा करंट जीरो होगा एसी का जो नेचर का वजह से, साइनसोइडल एसी के नेचर का वजह से, लेकिन इसका फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। वो फ्लक्स हमारा जीरो पॉइंट पे कंपनसेट कर रहा था हमारा शेडिंग रिंग है। सो इसीलिए हमको शेडिंग रिंग से ये भी एप्लीकेबल है ओनली फॉर एसी कॉन्टैक्टर्स, ओनली एसी कॉन्टैक्टर्स के लिए एप्लीकेबल फ्रेंड्स, डीसी कॉन्टैक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हॉट शूट है फ्रेंड्स। हॉट शूट समझने के लिए फ्रेंड्स पहले हमारा जो पावर कॉन्टैक्टर, इनके सब कॉन्टैक्टर है, अगर कोई किसी को पावर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे मोटर को या लाइटिंग लोड को फीड कर रहे हैं, वो फॉल्ट का कंडीशन में अगर ब्रेक करना है इसको, जैसे मोटर जाम में पड़ा था उस कंडीशन पे मोटर का 6 टाइम्स ऑफ करंट जाएगा, उस टाइम पे इस कॉन्टैक्टर को ओपन करना है, तो इस जैसे इसको ओपन करेगा फ्रेंड्स, हमारा जो इंडक्टिव नेचर का वजह से ये क्या करते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज इंड्यूस करते हैं रेजिस्टर का वजह से। उसकी वजह से हमारा जो हाई वोल्टेज का वजह से जो हमारा कॉन्टैक्ट जैसे ओपन कर रहे हैं उस कंडीशन में, वो कॉन्टैक्ट के बीच में जो एयर को वो आयनाइज कर देते हैं जो हाई वोल्टेज, इसकी वजह से हमारा आर्क क्रिएट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा आर्क क्रिएट होते हैं, उस आर्क को एक्सटिंग्यूश करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें एक मेथड है फ्रेंड्स, अगर उस मेथड्स आप देखेगा तो इसी इक्वेशन में सारे के सारे मेथड्स हैं फ्रेंड्स। रेसिस्टेंस ऑफ आर्क के इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ आर्क में एरिया ऑफ आर्क फ्रेंड्स। ये बेसिकली हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी यही है हमारा, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ में एरिया, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो फ्रेंड्स हमारा आर्क का जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क है फ्रेंड्स। अगर आप आर्क का लेंथ ऐसा बढ़ा दोगे तो आपको क्या होगा, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आर्क का रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो हमारा जो इसका जो बेसिकली हमारा आर्क क्रिएट हो रहा था ऑफ एल आई स्क्वेयर की वजह से, अगर इसका आई का जो इसका स्ट्रेंथ कम हो गया तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आई का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जैसा आई का स्ट्रेंथ कम हो गया तो एक पॉइंट के बाद इसका आर्क एक्सटिंग्यूश हो जाएगा फ्रेंड्स अपने आप, ठीक है। तो आर्क शूट्स में बेसिकली हम लोग आर्क का जो पाथ इंक्रीज कर देते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप देखेगा तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, आर्क का पाथ है ऐसे इंक्रीज कर देते हैं आर्क का पाथ, इसके अंदर इसका अंदर से लेकर बाहर जाते हैं और बाहर से फिर अंदर जाते हैं, ऐसे फिर ऐसे 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 घूमकर इसका आर्क का पाथ हम इंक्रीज कर रहा था, इसकी वजह से आर्क जल्दी एक्सटिंग्यूश हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस आपने इतना लेंथ बनाने की वजह से, इसका आर्क लेंथ इतना बढ़ाने की वजह से ये आर्क है जल्दी एक्सटिंग्यूश हो जाएगा। और इसका दूसरा रीज़न भी है फ्रेंड्स, इसको इंडक्टर को बेसिकली इसका एनर्जी को कंज्यूम करना है, इसको कंज्यूम करेगा तो जल्दी रिश ये हो जाएगा फ्रेंड्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर आर्क शूट नहीं लगाया, अब कोई भी एक्सटिंग्यूशिंग डिवाइस नहीं लगाया था
तब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये इंडक्टर क्या करते हैं, वो कम रेसिस्टेंस की वजह से ज़्यादा ड्यूरेशन तक इसको आर्क को सस्टेन करके आर्क को रख देगा फ्रेंड्स। अगर आप इस एनर्जी को आप जल्दी ख़त्म करेगा तो जल्दी कैसे ख़त्म होगा फ्रेंड्स, अगर इसका रेसिस्टेंस कम कर बढ़ा दिया तो आपको क्या होगा, आई स्क्वेयर आर टी जो इसका हाफ एल आई स्क्वेयर की वजह से जो बन रहा था एनर्जी, वो आई स्क्वेयर आर टी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जल्दी हमारा कन्वर्ट ये हो जाएगा फ्रेंड्स। नॉर्मल टाइम पे क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी में हमारा आर बहुत कम रहते हैं, इसका आर्क का लेंथ की वजह से, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, टाइम ज़्यादा बढ़ता है। आई स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू हमारा हाफ एल आई स्क्वेयर, हमारा इंडक्टर में जो हमारा एनर्जी हो बचा था उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं उस कंडीशन पे, ओपनिंग कंडीशन पे, उसको छोड़ेगा ही नहीं है फ्रेंड्स हमारा। इसीलिए आपको आर्क तो मैंडेटरी, आर्क तो आएगा ही आएगा हमारे इंडक्टर की वजह से, क्योंकि हमारा इंडक्टर पहले तो हमारा 6 टाइम्स ऑफ मोटर करंट दे रहा था जाम पे, अब सडनली इसको रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा मोटर और केबल के इंडक्टेंस इसको हमको रोकेगा ही नहीं है, उसको 6 टाइम्स जाने के लिए कोशिश करेगा। उस वो कोशिश कैसे कर रहे हैं सर, इसका हाफ एल आई स्क्वायर इसका एनर्जी की वजह से कर रहा था, इसका मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से। तो अगर आप हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आई, तो इसका अगर रेसिस्टेंस आप बढ़ाएगा तो वो कम टाइम पे इसका आर्क एक्सटिंग्यूश हो जाएगा फ्रेंड्स, यही इसका कॉन्सेप्ट है। वो रेसिस्टेंस हम बढ़ा रहा था इसका आर्क शूट की वजह से, इसका रेसिस्टेंस है ये इनसाइड से बाहर जा रहा था, बाहर से अंदर, ऐसे ऐसे हमको आर्क का रेसिस्टेंस हम बढ़ा रहा था, उसकी वजह से हमको आर्क जल्दी एक्सटिंग्यूश हो रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप अगर देखेगा तो ब्रेकर में जैसे इसका कॉन्टेक्ट, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ये हमारा कॉन्टैक्टर है, इसमें हमारा कंट्रोल कॉइल है, ये हमारा पावर टर्मिनल्स है फ्रेंड्स। ठीक है, पावर टर्मिनल्स का ऊपर हमारा आर्क शूट लगा हुआ है फ्रेंड्स, जैसा आर्क होता है तो इसका अंदर बाहर से ऐसा होकर इसका रेसिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, तो आर्क जल्दी एक्सटिंग्यूश हो जाता है फ्रेंड्स। यही डिवाइस हमको यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, यही डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का फ्रेंड्स, आप कॉन्ट्रैक्टर का देखेगा तो इसका मेन पर्पज है फ्रेंड्स, इसका जो इसका ये इसको बोलते हैं हमारा पावर टर्मिनल है, या इसको मेन सर्किट बोलते हैं हमको इन केस ऑफ पावर कॉन्ट्रैक्टर, इसका मेन सर्किट बोलते हैं, ये हमारा तीनों फेज है, ये हमारा आर वाई बी हमारा इनकमिंग टर्मिनल है, ये हमारा आउटगोइंग टर्मिनल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्टर का पावर सर्किट है, यही हमारा सर्किट को मेक या ब्रेक कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और हमारा कंट्रोल सर्किट में आएगा तो आपको कंट्रोल सर्किट में दो चीज़ आपको दिखने लगेगा फ्रेंड्स, एक हमारा कंट्रोल कॉइल है, इसका नोटेशन आपको बताया था A1 A2 है। ठीक है, इन केस ऑफ AC कॉइल में तो आप कोई भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं आपको सप्लाई, लेकिन इन केस ऑफ DC कॉइल आपको A1 में पॉजिटिव A2 में नेगेटिव देना है फ्रेंड्स। ठीक है, बेसिकली आप उल्टा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस की वजह से आपको पोलैरिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ AC या DC कॉइल है, अदरवाइज सिंपल कॉइल में तो आपको उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो मैग्नेट ही बनना है। लेकिन कंस्ट्रेंट है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, इसके कॉइल के अक्रॉस सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस रखा हुआ, तो ये तो पोलैरिटी डिपेंडेंट होते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, अगर जेनर डायोड बेस्ड है तो, इसीलिए आपको पोलैरिटी देखना जरूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड है। हमारा कंट्रोल सर्किट में आएगा हमारा एक हमारा कॉइल है, दूसरा हमारा आएगा इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज करते हैं हमको, ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ बोलकर, ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ मतलब हमारा मोटर चल रहे हैं, तो हमारा मोटर का रन इंडिकेशन है या मोटर बंद का इंडिकेशन है, वो सब हमको फीडबैक लेने के लिए और इंडिकेशंस में दिखाने के लिए हमको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का जरूरी है, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमको कंट्रोल कॉइल का थ्रू दे रहा था हमको, इसीलिए हमको कॉइल जैसे एनर्जाइज हुआ है तो ये मैकेनिज्म, ये इसका पावर कॉन्टैक्ट ऑन होगा, इसी के साथ हमारा कंट्रोल कॉन्टैक्ट भी इसका मूवमेंट चेंज होगा फ्रेंड्स। ये हमको जो पोजिशन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये हमेशा आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट में, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हर बार आपको कॉइल का डी एनर्जाइज कंडीशन में ही इसका ड्राइंग दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन है कॉन्टैक्टर ओपन का, अगर इस कॉन्टैक्टर का कॉइल में सप्लाई नहीं दिया हमने उस पोजीशन, उस कंडीशन में हमारा कॉन्टैक्ट का क्या पोजीशन है, तो आप देखिएगा तो यहाँ आपको सप्लाई नहीं दिया, सप्लाई नहीं दिया तो हमारा पावर कॉन्टैक्ट ओपन कंडीशन में रहते हैं, और इसमें एक हमारा एनवो कॉन्टैक्ट है, एनवो कॉन्टैक्ट मतलब इसका सप्लाई नहीं है तो ये नॉर्मली ओपन है, और NC मतलब ये सप्लाई नहीं उस कंडीशन पे ये नॉर्मली क्लोज्ड है,
जैसे इसका सप्लाई मिल गया है तो इसका स्टेट चेंज हो जाते हैं, जैसे इसका सप्लाई मिल गया है तो ये तीनों कॉन्टेक्ट से ये हमारा मेक हो जाते हैं, मतलब ये बन जाते हैं, एनवो से एनसी बन जाते हैं, और ऐसे ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हमारा एनवो कॉन्टेक्ट है, ये हमारा क्लोज हो जाते हैं एनसी बन जाते हैं, हमारा एनसी कॉन्टेक्ट ओपन होकर एनवो बन जाते हैं। मतलब जैसे इसका सप्लाई नहीं रहने की वजह से विदाउट सप्लाई ये इसका पोजिशन है, जैसे सप्लाई देने से इसका पोजिशन टॉगल हो जाते हैं फ्रेंड, इतना आपको याद रख दीजिए। नेक्स्ट हम देखेगा तो फ्रेंड्स कॉन्टैक्टर का एप्लीकेशन से, कॉन्टैक्टर को हम तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा आप देखेगा तो हमारा एलटी सिस्टम में बेसिकली आप ये याद कर दीजिए, हमारा कॉन्टैक्टर्स का मोस्टली एप्लीकेशन से एलटी सिस्टम में, तो एलटी सिस्टम में हमारा मेजर लोड से हमारा मोटर और लाइटिंग लोड से और हीटिंग लोड से, तो हमारा मोटर मोटर का स्विचिंग ऑफ मोटर में भी यूज़ करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्टर को, बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और लाइटिंग लोड्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, और कैपेसिटर्स को जो हमारा एलटी सिस्टम में हमने जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम लगाया है, तो जो कैपेसिटर्स को कैपेसिटर बैंक्स को उसको भी स्विचिंग करने के लिए हमको कैपेसिटर इसको यूज़ करते हैं। इवन हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्शन करेक्शन का जो एपीएफसी बोलते हैं उसमें भी हम लोग कैपेसिटर को जो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं पावर फैक्टर के बेसिस में, वो भी हमारा पहले हमारा अभी तो हमारा मतलब बहुत एडवांस्ड हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस आया था, लेकिन इसकी पहले तो हम लोग जनरली हमारा कन्वेंशनल और हमारा चीप सिस्टम में थोड़ा सस्ते भी है हमको कॉन्टैक्टर्स यूज़ करते हैं, वो कॉन्टैक्टर्स का थ्रू हमको कैपेसिटर्स नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को आपको लाइन में लेना है ब्रेक करना है हमको इसी के थ्रू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हीटिंग लोड्स को हम लोग स्विचिंग करने के लिए, ऐसे हमको डीसी लोड्स को स्विचिंग करने के लिए हमको कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड्स, अगर कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या रेटिंग मेंशन होते हैं और क्या क्या रेटिंग देना चाहिए। सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज है, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनल्स के अक्रॉस हमेशा जो हमेशा रहते हैं वो वोल्टेज है, जो हमको थ्री फेज एलटी सिस्टम में हमारा ये 415 वोल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है, इसका कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनल्स के अक्रॉस हमेशा रहता है ये वोल्टेज, रहने से आपको कॉन्ट्रैक्टर का टर्मिनल्स में आयनाइज नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ये सप्लाई रहने से भी इस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट अक्रॉस इसका आयनाइज कभी भी नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है। इट कैन बी मतलब कॉन्ट्रैक्टर ओपन कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट का अक्रॉस इस वोल्टेज से आप इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक ओपन कंडीशन में उसी कंडीशन में आपको कॉन्ट्रैक्टर को चला सकते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज, आपको बताया था फ्रेंड्स ये हमने हमारा स्विच गियर का टर्मिनोलॉजी में भी डिस्कस किया था, वही हमारा यही स्पेसिफिकेशन है। अगर कॉन्टैक्टर है अगर कंटिन्यूसली 415 वोल्ट है हमारा ऑपरेशनल वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये कौन सी वोल्टेज से फेल होते हैं वो ये, इसके लिए हमारा कुछ कंस्ट्रेंट्स है फ्रेंड हमारा, जैसे हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 में जो बता गया था वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हमको ±10% अलाउ कर सकते हैं, सो जो मैक्सिमम वोल्टेज हमको जा सकते हैं +10% जा सकते हैं, और हमारा जो एलटी सिस्टम में यार कोई भी हमारा सिस्टम में जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो टैप रेशियो है वो हमारा +12.5% तक रह सकते हैं, तो ये दोनों कंडीशंस को आप कंपेयर करेगा तो ये अप टू 590 वोल्ट का ऊपर हमारा एलवी सिस्टम जाता ही नहीं है कभी भी, तो हम सेफ्टी के लिए हम लोग हमने 690 वोल्ट सिस्टम पे हम लोग जनरली डिजाइन करते हैं फ्रेंड्स। हमारा रेटेड इंसुलेशन विथस्टैंड वोल्टेज है, मतलब इस वोल्टेज तक हमारा इस स्विच गियर है इस कॉन्टैक्टर हमारा विथस्टैंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स रेटेड इंपल्स विथस्टैंड वोल्टेज है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कभी भी लाइटिंग या स्विचिंग तो कॉमन है हमारा सिस्टम पे, उस कंडीशन में भी हमारा कॉन्टैक्टर फेल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कॉन्टैक्टर फेल हो गया है तो हमारा मोटर को कौन बंद कराएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल और प्रोटेक्शन डिवाइस है, अगर इसको खुद को प्रोटेक्शन नहीं है तो वो हमारा सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए वो लाइटिंग और स्विचिंग इंपल्स को विथस्टैंड करने के लिए इसका रेटेड इंपल्स विथस्टैंड वोल्टेज भी दिया जाता है, और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से है, तो ये रेटिंग इसीलिए दिया जाता है हमारा लाइटिंग या स्विचिंग इंपल्स में, अगर इसको कॉन्टैक्टर पे एक्सपोज होने से भी ये डैमेज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स करंट का रिलेटेड है, हमारा रेटेड फ्रीज एयर थर्मल करंट है फ्रेंड्स। इसके बारे में भी हमने टेक्नोलॉजी में बताया था फ्रेंड्स, स्विच गियर का टेक्नोलॉजी है सेम है, ये कोई भी स्विच गियर ले लेगा तो ये टेक्नोलॉजी सेम है फ्रेंड्स। इसका स्पेसिफिकेशन का मीनिंग सेम है, ITH मतलब जो हमारा रेटेड फ्री एयर थर्मल करंट है फ्रेंड्स, मतलब हमारा कॉन्टैक्टर का अगर ओपन कंडीशन में इसका हमारा हमारा जो कॉन्टैक्ट्स है, ये जो हमारा मूविंग और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, इसको ओपन कंडीशन में फ्रेंड्स, ओपन कंडीशन में जो जितना मैक्सिमम करंट पे ये 8 घंटे तक किसी भी टेम्परेचर, कोई भी पार्ट में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और किसी भी हमारा ऑपरेटर को यार किसी को हमको मतलब ये पहुंचना नहीं है हमको, ये मतलब हमको कोई इफेक्ट नहीं होने के लिए ये कितना मैक्सिमम करंट ले सकते हैं, ये हमारा फ्री एयर थर्मल करंट है फ्रेंड्स। लेकिन ये हमारा बहुत ही कम यूजफुल है, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट है या कोई भी स्विच गियर हमारा ओपन एयर में तो रहता नहीं है, इसीलिए हमको एक और रेटिंग दिया गया था, वो हमारा रेटेड एनक्लोज्ड थर्मल करंट है। एंड हम इसको कॉन्टैक्टर बेस के लिए हमेशा एनक्लोज ही रहते हैं, सारे स्विच गियर एनक्लोज ही रहते हैं, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट है वो 8 घंटे तक कंटिन्यूसली विदाउट एनी टेम्परेचर राइज बियॉन्ड परमिटेबल लिमिट से करने के लिए वो मैक्सिमम करंट कितना ले सकते हैं, उसको हमारा रेटेड एनक्लोज थर्मल करंट है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आप ये देखेगा तो दोनों टाइम में आपको 8 घंटे फ्रेंड्स, आपको 8 घंटे के ऊपर इसको चलाना है तो आपको कोई रेटिंग होना चाहिए, वही हमारा नेक्स्ट रेटिंग है हमारा अनइंटरप्टेड करंट है फ्रेंड्स। इसी को हम लोग रेटेड करंट भी बोल सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्टर केस में दोनों सेम ही है, इसको अनइंटरप्टेड टाइम के लिए मतलब कंटिन्यूसली इसको चलाने के लिए क्या क्या करंट पे कंटिन्यूसली चलेगा, ये बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्टर का एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन कैटेगरी का ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी है फ्रेंड्स। यूटिलाइजेशन कैटेगरी की वजह से हमको कॉन्ट्रैक्टर्स को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया था। इन केस ऑफ एसी कॉन्ट्रैक्टर है, एसी कॉन्ट्रैक्टर मतलब फ्रेंड्स इसका कंट्रोल कॉइल एसी या डीसी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पर्पज है, इसका जो पावर कॉन्टैक्ट है, इसका जो मेन कॉन्टैक्ट है, इसको अगर एसी सिस्टम में इसको ब्रेक या मेक कर रहे हैं तो उसको एसी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारे यूटिलाइजेशन कैटेगरीज है, सबसे पहले AC1 यूटिलाइजेशन कैटेगरी है, मतलब ये बेसिकली रेसिस्टिव लोड्स को या फर्नेसेस को या नॉन इंडक्टिव या स्लाइटली इंडक्टिव लोड्स को अगर ये फीड कर रहे हैं तो तब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ये हमारा करंट हो सकते हैं, ये क्या करते हैं हमारा इसका मेकिंग करंट है, वन टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा जनरली इसमें कोई ये नहीं होते, हमको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं होते है, तो इसका मेकिंग करंट हमको वन टाइम्स पे डिसाइड करते हैं रेटेड करंट, और इसका ब्रेकिंग करंट भी उतना ही रहते हैं, क्योंकि रेसिस्टिव लोड है, इसमें कोई सर्ज नहीं रहते हैं, कोई इंडक्टिव नेचर का वजह नहीं होने की वजह से ये कोई भी मतलब इसमें करंट का सर्ज नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। सो ये सिंपल कैटेगरी है AC1 है, इसमें मेकिंग और ब्रेकिंग करंट दोनों रेटेड करंट ही होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमने डॉटेड दिखाया था, ये हमारा ब्रेकिंग करंट है, ये हमारा मेकिंग करंट है, वन टाइम पे इसको मेकिंग करंट है और उतना ही हमारा ब्रेकिंग करंट है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है AC2, इसको हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, इसका स्टार्टिंग और स्विच ऑफ ड्यूरिंग एक्ट, अगर इसको जब मोटर चालू हो रहे हैं एक्सेलरेट होने पूरा एक्सेलरेट होने से पहले ही इसको बंद कर सकते हैं, अगर यूटिलाइजेशन कैटेगरी AC2 है तो। आपको पता है फ्रेंड्स स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसका जो रोटर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी वजह से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसका स्टार्टिंग करंट कम रहता है फ्रेंड्स। इसका स्टार्टिंग करंट आप देखेगा तो 2.5 टाइम्स ही रहते हैं, इसीलिए आप इसको ये 2.5 टाइम्स ही रहता है इसका स्टार्टिंग करंट, तो आप इसको बोल सकते हैं या इसका मेकिंग करंट हम डिसाइड कर सकते हैं 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेटेड करंट में डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा मोटर का स्टार्टिंग करंट है, सो ये स्टार्टिंग टाइम है, इस टाइम के बाद ये हमारा नॉर्मल करंट पहुंच जाएगा। अगर मोटर यहाँ चालू हुआ है तो 2.5 टाइम्स तक इसका करंट खींचेगा स्टार्टिंग टाइम होने तक, जैसे स्टार्टिंग टाइम हो गया तो ये नॉर्मल करंट पहुंच जाएगा। लेकिन इस एप्लीकेशन में AC2 में आप इस एक्सेलरेट पूरा नहीं होने से पहले, मतलब स्टार्टिंग टाइम पूरा होने के पहले ही आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ आपको ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए इसका ब्रेकिंग करंट भी 2.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट है फ्रेंड्स इस यूटिलाइजेशन कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी 3 है फ्रेंड्स, इसमें आपको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका स्टार्टिंग करंट है मैं आपको बताया था 4 to 8 टाइम्स रहते हैं, और एन एवरेज हम 6 टाइम्स देते हैं, और इसका बंद करने है ब्रेक करने है ओनली रनिंग कंडीशन में,
मतलब इसका जो स्टार्टिंग है हमने करना है, स्टार्टिंग तो करना है, तो इसका मेकिंग करंट तो 6 टाइम्स ही होगा फ्रेंड्स, 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होगा। लेकिन इसको ब्रेक करना है हमको ओनली रनिंग कंडीशन में। इसको ब्रेकिंग यहाँ करेगा तो हमारा कॉन्टैक्टर फेल हो जाएगा और इसको आगे यूज ही नहीं कर सकते फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर को चेंज करना है। क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन कैटेगरी के हिसाब से इसको कॉन्टैक्टर को हमको ओनली इसको रेटेड करंट पे ही हमको, मतलब इसका रेटेड करंट, इसका ब्रेकिंग करंट है ओनली रेटेड करंट है फ्रेंड्स। तो इसको ओनली फॉर ओवरलोड में आपको ट्रिप कर सकते हैं, बाकी कोई भी जाम में या किसी और प्रोटेक्शन में भी आपको ऑपरेट करना है तो आपको किसी और डिवाइस लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। बीएमआर या फ्यूज ही आपको पहले लगाना पड़ेगा या एमपीसी भी लगाना पड़ेगा। अगर आप AC3 का कॉन्टैक्टर यूज करेगा तो आपको इसको अदर देन ओवरलोड आपको कोई और प्रोटेक्शन में मोटर को आप ट्रिप नहीं करा सकते, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी इसके लिए डिजाइन है ही नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट रेटिंग AC4 है, जिसमें आपको इनकेस हमारा इसका ब्रेकिंग का कैपेसिटी है, अगर इसका मोटर का एक्सेलरेशन में ही इसको आप अगर आप ट्रिप करा सकते हैं, ब्रेक करा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन कैटेगरी A4 AC4 है फ्रेंड। उसमें आप पहले जैसे नहीं है, आपको मोटर को हमको रनिंग कंडीशन में ही बंद करने है, ऐसे कंस्ट्रेंट से हमको कभी नहीं चला सकते, क्योंकि मोटर में तो बहुत ही तरफ का पार्ट्स होते हैं। मतलब सिर्फ ओवरलोड ही नहीं होते हैं, ओवरलोड का कंडीशन में भी वो ज़्यादा ओवरलोड में हमारा कॉन्टैक्टर ब्रेक नहीं कर सकते AC3 में। तो AC4 हमने इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज़ करते हैं, इसमें हमारा कॉन्टैक्टर है, ओवरलोड में ट्रिप करा सकते हैं, जाम में ट्रिप करा सकते हैं, स्टॉल में ट्रिप करा सकते हैं, अनबैलेंस में ट्रिप करा सकते हैं, अंडर वोल्टेज में ट्रिप करा सकते हैं, ये सब में ट्रिप करा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको बताया, शॉर्ट सर्किट के लिए कोई भी कॉन्टैक्टर डिजाइन नहीं रहते क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में इसका ब्रेकिंग करंट तो मैं आपको बताया था 8 to 10 टाइम्स नहीं रखने हैं, उतना तो हम नहीं रख सकते। इसीलिए कॉन्टैक्टर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट में कभी भी कोई भी कॉन्टैक्टर को ब्रेक नहीं करना है फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टर को सिर्फ आपको बैकअप के लिए, इसको शॉर्ट सर्किट के लिए आपको फ्यूज देना ही पड़ेगा। हर कॉन्टैक्टर में आपको शॉर्ट सर्किट के लिए कोई ना कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए, फ्यूज MPCB MCB कोई भी कोई ना कोई तो होना चाहिए फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर से तो हम नहीं कर सकते। सो हमारा ये AC4 का कैटेगरी है, ये चारों कैटेगरी हम लोग इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चारों कैटेगरी रिलेटेड टू मोटर एप्लीकेशन, हमारा फर्नेस हीटिंग का फर्नेस एप्लीकेशन से फ्रेंड। सो हमारा जितना भी हमारा इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, मेजर रोड तो यही है, क्रिटिकल रोड है, इसीलिए चारों के बारे में इन डिटेल बताया था। और भी हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी से फ्रेंड, जैसे आप देखेगा तो AC5 ही है, AC5 यूज करते हैं फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। और 5B हमारा इनकैंडेसेंट लैंप है, जो हमारा नॉर्मल इनकैंडेसेंट लैंप है इसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। और 6A है हमारा ट्रांसफार्मर का स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, और 6B है हमारा कैपेसिटर बैंक्स का स्विचिंग के लिए यूज करते हैं फ्रेंड्स। कैपेसिटर बैंक्स के लिए अलग टाइप का रहते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। तो 6B इस पर कैपेसिटर बैंक्स के लिए है, और 7A है फ्रेंड्स, AC7A यूटिलाइजेशन कैटेगरी है, हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए, लेकिन स्लाइटली इंडक्टिव लोड से हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे 7B है हमारा मोटर लोड से, हाउस होल्ड में जो मोटर लोड से हमारा जो पंप विम्प चलाते हैं हमारा घर पे, वो सबके लिए 7B यूज करते हैं। और 8A है फ्रेंड्स हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर है हमारा जो रहते हैं, अगर मैनुअल रीसेटिंग है वो ओवरलोड है तो उसमें 8A यूज़ करते हैं, अगर ऑटोमेटिक है तो 8B यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो घर में जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर होते हैं उसका है फ्रेंड्स, ठीक है। और AC15 है फ्रेंड्स हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी, वो रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड्स को स्विच ऑन करने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स वही हमारा DC, इनकेस हमारा कॉन्टैक्टर का जो मेन कॉन्टैक्ट है वो हमारा DC सर्क्यूट को, हमको DC लोड को हमको मेक या ब्रेक कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं DC कॉन्टैक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसका कंट्रोल सप्लाई, ऑक्सिलरी सप्लाई कैन बी AC या DC कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो लोड जिसको ब्रेक कर रहा है इसकी बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ, ये DC पावर कॉन्टैक्टर है, ठीक है। तो उस कैटेगरी DC1 में आपको फ्यू रेसिस्टिव आर नहीं है तो स्लाइटली इंडक्टिव लोड को आप मेक और ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको ऑब्वियसली हमने मेकिंग करंट है हमारा सिमिलर टू AC1 है, इसका रेटेड ऑपरेशनल करंट इज मेकिंग करंट है, और रेटेड ऑपरेशनल करंट ही इसको ब्रेकिंग करंट है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी है DC3 है फ्रेंड्स, ये हमारा DC शंट मोटर में यूज करते हैं, DC शंट मोटर में स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, स्टार्टिंग के लिए तो यूज़ करना ही है कॉन्ट्रैक्टर का, तो ये आपको चालू करते हैं।
और इसको प्लगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा ब्रेकिंग में जो यूज़ करते हैं, और इंचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका स्टार्टिंग करंट होना चाहिए, हमारा संस मोटर का स्टार्टिंग करंट है 2.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट है फ्रेंड्स। तो इसका प्लगिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं मतलब इसका ब्रेकिंग करंट भी हमको होना चाहिए फ्रेंड्स उतना ही, 2.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये हमारा DC3 को हमको DC संट मोटर का एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। सिमिलरली हमारा DC5 है, लेकिन ये हमारा DC सीरीज मोटर का स्टार्टिंग प्लगिंग एंड इंचिंग के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ये भी सेम है फ्रेंड्स, हमारा DC सीरीज मोटर का जो हमारा स्टार्टिंग करंट है वो भी इतना ही रहता है, 2.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट है, और उसी टाइम पे हमको स्टार्टिंग में भी आपको चाहिए तो इसको बंद कर सकते हैं, प्लगिंग भी कर सकते हैं। तो इसका जो ब्रेकिंग करंट भी हमारा रहेगा 2.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक और हमारा DC में यूटिलाइजेशन कैटेगरी रहते हैं फ्रेंड्स, DC6 है। इसको हम इनकैंडेंट लैंप और इल्यूमिनेशन जो लाइटिंग का ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उसको DC6 बोलते हैं यूटिलाइजेशन कैटेगरी। तो ये हमारा हम सम अप करेगा फ्रेंड्स AC का, ये हमारा AC 1, 2, 3, 4 हमारा मेजर हमारा मोटर लोड के लिए जो यूज़ कर रहा था, इसको जो रेटेड ऑपरेशनल करंट पे मतलब ये I/I इसको बोलते हैं हमारा मेकिंग करंट, या मेकिंग करंट कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 2.5 टाइम्स है AC 2, AC 3 6 टाइम्स है। जैसे हमारा रेटेड मतलब इसका वोल्टेज में रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है, इसमें तो वोल्टेज तो सब में 1 ही रहते हैं। सो यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका पावर फैक्टर है, जैसे इसका इसका यूटिलाइजेशन कैटेगरी बढ़ाएगा तो इसका पावर फैक्टर भी बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। और ये हमारा ब्रेकिंग करंट का रिलेटेड है फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था। और ये इसका रेटेड ऑपरेशनल मतलब रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज में ऑपरेशनल वोल्टेज है फ्रेंड्स, इसका जो जो वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं और रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है। ये AC 3 में कम रहते हैं क्योंकि ब्रेक कर रहे हैं हम इसमें। और पावर फैक्टर में आपको बताया था, जैसे जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ते हैं तो इसका पावर फैक्टर घटते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, हमारा इसका कॉन्ट्रैक्टर का इसका लाइफ है, इलेक्ट्रिकल लाइफ है। इलेक्ट्रिकल लाइफ के लिए फ्रेंड्स आपको फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आप ले लीजिए फ्रेंड्स, हमारा 200 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर लिया तो ये 200 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड्स हमको अप्रॉक्सीमेटली कितना है फ्रेंड्स, 7 साल तक इसको इलेक्ट्रिकल लाइफ है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस अगर आपको 200 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर को आप कम रेटिंग पे चलाएगा तो फ्रेंड्स, इनकेस 100 एम्पियर पे चलाएं तो इसको आप कितना है फ्रेंड्स, 15 साल यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट डबल द टाइम, ठीक है। तो ऐसा आपको हमेशा इसीलिए फ्रेंड्स आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है तो इसका जो लोड नॉर्मल लोड है हमेशा इसका जो कॉन्ट्रैक्टर का जो नॉर्मल रेटिंग है जहाँ इसका रेटेड करंट से कम ही रहना चाहिए फ्रेंड्स, सो दैट इसका जो इलेक्ट्रिकल लाइफ है बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको सही टाइम पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स को आपको क्लीन करने के CRC मारने से और कॉन्ट्रैक्टर का इसका कॉन्टैक्ट्स को चेंज करने से आपको इलेक्ट्रिकल लाइफ को आपको मैकेनिकल लाइफ तक रीच कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्टर में इलेक्ट्रिकल लाइफ कम रहते हैं मैकेनिकल लाइफ से, आपको सही टाइम पे इसको इलेक्ट्रिकल लाइफ तो सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स ही है क्योंकि हमारा कॉइल तो ऐसे ही कॉइल में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। हमारा मेन तो कॉन्टैक्ट्स ये जो मूविंग पार्ट है उसी को ही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो हमारा इनकेस ऐसा कर्व है, अगर इनकेस कर्व नहीं है तो नॉर्मल इक्वेशन में देखेगा तो फ्रेंड्स हमको ये हमारा नंबर ऑफ हमारा इलेक्ट्रिकल लाइफ है ईयर्स में कितना है, ये हमारा A इज इक्वल टू हमारा AC 3 का ड्यूटी है फ्रेंड्स। इनकेस AC 3 का ड्यूटी को अगर आप कम ड्यूटी पे भी चलाएगा तो आपको इसका लाइफ बढ़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्टर को अगर AC 3 का ड्यूटी में चलाएगा तो उसकी जो लाइफ है ये है, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर को अगर AC 4 का ड्यूटी में चलाएगा तो वो हमारा B है, और हमारा C है परसेंटेज ऑफ AC 4 ऑपरेशन ऑफ टोटल ऑपरेशन से, टोटल ऑपरेशन में हमारा AC 4 का ऑपरेशन कितना चल रहे हैं वो हमारा C है फ्रेंड्स। अगर उसमें आप ये तीनों डालेगा तो हमको आएगा फ्रेंड्स उस ऑपरेशन का उसकी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का टोटल इसका इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन ड्यूटी है वो आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना नंबर ऑफ ईयर्स ये इसको चला सकते हैं, ठीक है। ये हमको पता चल जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स हमको, अगर आपको ज़्यादा ड्यूटी वाला ज़्यादा AC कैटेगरी मोटर को हमको कम रेटिंग कम ड्यूटी पे आपको चलाएगा तो इसका इलेक्ट्रिकल लाइफ बहुत ही ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में फ्रेंड्स, हमारा साथ बनाते रहिए, थैंक यू।